सॉइलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन जो है वो होने वाला है घूमने फिरने का दिन, क्योंकि आज है मेरा लास्ट पेपर। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाने वाले हैं घूमने। अब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो आप लोगों को देखेगा आगे ब्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं कर रही है, तो जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा क्योंकि ये सब जो होता रहता है घर में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे पहले पेपर देख के, और उसके बाद हम जब जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट वेयर वी आर गोइंग। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरा एग्ज़ाम हो गया था लेट और मुझे यहाँ आने में देर हो गई है। बहरहाल हम पहुँच गए हैं ओशन मॉल और जो है हम लोगों को जाना है सुपर स्पेस और बाउंस, जिसका जो है वो हमें बेसब्री से मुझे इंतज़ार था इस दिन का। तो यस, वी हैव रीच्ड ओवर हियर। यहाँ से हम लोग बस एंट्री ले रहे थे और अंदर का जो है वो हमने बैंड बाय किया था 1500 वाला, जिसमें हमें हॉन्टेड हाउस मिला था, हमें डॉजिंग मिली थी और डॉजिंग के साथ हमें बैटल वाला वॉरियर वाला एक चीज़ था वो मिली थी। इसके साथ हमें ये जो कार्ड नज़र आई आपको, ये कार्ड भी हमें अवेलेबल थी। बाकी ज़्यादातर यहाँ पे छोटे बच्चों की चीज़ें थी, लेकिन हमें खुशी इस बात की थी कि हमें इसमें बाउंस भी मिल गया है। तो ये हमने ये वाली कार भी ट्राई करी थी, जो हमें कुछ खास मज़ा नहीं आया बिकॉज वो बच्चों की थी। येस, दिस इज़ द बैटल स्टेशन। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि यहाँ पर जो है वो दो टीम्स होती हैं और जो है सबको गन्स मिलती हैं और हमें गन के फ्रंट पॉइंट पर जो है वो फायर करना होता है। तो जो टीम सबसे ज़्यादा फायर कर लेती है और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो टीम जो है वो विन करती है। तो इसमें फॉर्चुनेटली मैंने जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्स किए थे और मुझे 16 पॉइंट्स मिले थे। इसके बाद हम हॉन्टेड हाउस गए थे, जहाँ पे हमें अलाउ नहीं था कि हम शूट करें, और ये एक लेज़र का उन्होंने रूम बनाया हुआ था, तो वो हमें करके बता रहे थे कि ये किस तरीके से करना है, और ये आउट हुए जा रहे थे। एंड दिस वॉज, उसके बाद हम चले गए बाउंस, और बाउंस में जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके की उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम बाउंस गई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर मैं मज़े से जब तक इन्जॉय कर रही थी तो हुआ ये कि मेरा यहाँ पर जो है बाउंस करते करते यहाँ पर इस पोजीशन पे आकर जो है वो मेरा, जब मैं इन बॉल्स वॉल्स से निकल गई तो मेरा पाँव जो है वो ट्विस्ट हो गया जब मैं जंपिंग वगैरह कर रही थी। और उसके बाद जो है मैं सिर्फ इन लोगों की वीडियोस बनाने लगी क्योंकि आगे मुझे शूटिंग का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। और अब बस हम फिर घर के लिए निकल गए थे क्योंकि मुझे पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और मगरिब भी हो गई थी। हाँ तो गाइज, एज यू गाइज नो, बल्कि यू डोंट नो कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि जिसके बाद मैं और ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। वो मसला ये हुआ था कि जो है मेरे पाँव जो है वो बाउंस में जाके बिल्कुल ट्विस्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं गिर गई थी और जो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा मोच आ गई है। अब मोच आइए क्या आया है वो हमें पता नहीं चलेगा जब तक एक्सरे वगैरह नहीं हो जाता और इसकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसमें पेन मुझे काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर हम घर आ गए थे और इसलिए अब जो है वो बस फिलहाल हो चुकी है रात, तो अभी हम नहीं जा सकते एक्सरे वगैरह के लिए। कल का हम वेट करेंगे, कल हम जाएंगे एक्सरे वगैरह करवाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फ़र्स्ट एड इसके लिए क्या करना है, क्योंकि पेन मुझे बहुत ज़्यादा है और मेरे पाँव में आ गई है स्वेलिंग। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ये एज़ लीड करे फ्रैक्चर की तरफ, लेकिन फिर भी एक्सरे करवाना तो ज़रूरी होता है, तो एक्सरे करवाएँगे हम और फिर देखते हैं उसके बाद कि क्या रिजल्ट इसके निकल कर आते हैं। और व्लॉग मैं कह रही थी इसलिए मुझे कंटिन्यू करना पड़ा, वरना हिम्मत मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को अपडेट देते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी कल जब हम जाएंगे फ्रैक्चर पैमाने, वो फ्रैक्चर सॉरी, जब हम जाएंगे एक्सरे करवाने के लिए, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या है, क्या सीन है और क्या चल रहा है। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो, ऐसी कोई बात नहीं हो, बस वो स्वेलिंग जो आ गई उससे जो है वो थोड़ा सा मिसहैप हो गया। तो चलें मिलते हैं कल। The next day. तो अब जो है मुझे जाना था एक्सरे करवाने के लिए क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी जाना तो था क्योंकि जो है वो इसका एक्सरे करवाना ज़रूरी था कि अल्लाह ना करे कोई और ऐसा इशू ना हो। तो बस मैं मामा और बाबा के साथ गाड़ी में बैठ कर निकल गई और जो है हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे और एक्सरे के लिए वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। तो मैंने बाबा से बोला कि प्लीज़ आप थोड़ा सा यहाँ का व्लॉग मेरा कवर कर लें। एंड दिस वॉज द टाइम कि जब जो है वो मेरा एक्सरे होने लगा था, तो आई वॉज़ जस्ट सिटिंग
ऑन द स्ट्रेचर या जो भी इस चीज़ को कहते हैं, और जो है यहाँ पर मेरा पाँव जो है वो इतना ज़्यादा स्वेल हो रहा था कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती। और उसके बाद एक्सरे वगैरह मेरा हो गया और उसके रिपोर्ट्स जो है वो रात को मिलनी थी। बस फिर हमने जल्दी से कैब बुलाई और हम लोग यहाँ से निकल गए घर के लिए। हाँ जी, तो गाइस मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से वापस। एक्सरे वगैरह मेरा हो गया था और एक्सरे की रिपोर्ट रात में आनी थी वैसे, लेकिन जिन्हें हमने चेक करवाया उन्होंने हमें बता दिया था कि अल्लाह का शुक्र है कि फ्रैक्चर जैसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने बस बैंडेज कर दिया। अभी बैंडेज करा के वापस आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का मेरा पाँव कुछ लग रहा है इस वक्त। स्वेलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आई हुई है पट्टी के अंदर से, मैं दिखा नहीं सकती। तो अभी बस यही है कि उन्होंने बेड रेस्ट का कहा है कि रेस्ट करना है अच्छा खासा, ताकि जो है वो इसको आराम मिले। ज़्यादा बिल्कुल भी चलना नहीं है, कुछ काम नहीं करना, लेकिन वीडियोज़ मुझे आप लोगों के लिए बनानी हैं और बनाती रहूँगी। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, ताकि जो है मैं अपना काम आराम से कर सकूँ। और आप लोगों की दुआएं चाहिए ताकि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो मैं लेकर आऊँ। तो फ़िलहाल पाँव का ये है कि इसमें जो तकलीफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन्होंने बोला है कि एक आध हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो मेरे जो है वो सेमेस्टर ब्रेक में ही मुझे मिला हुआ है एक हफ़्ते का, तो मेरे अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बस फ़िलहाल जो है इस वक्त मेरी और हिम्मत नहीं है व्लॉग कंटिन्यू करने की, तो व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर लाइक कर दिएगा, ठीक है, उल्टा ही बोलते हैं हमेशा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छी अच्छी दुआएं मुझे दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।